सुप्रभातम बार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम असाइनमेंट का अभ्यास करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शू कहे छे, नीचे आपेला प्रश्नना उत्तर लखो। तो चलो जोइए। एक, मोर कब नाचता है। उत्तर, मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। दो, चूहे को रास्ते में क्या मिला। उत्तर, चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। तीन, कशीदाकार क्या करता है। उत्तर, कशीदाकार कशीदा कदता है। चार, कशीदाकार क्या सुनकर घबराया। उत्तर, कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। पाँच, लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है। उत्तर, लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। छ, हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है। उत्तर, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। सात, डाकिया कहाँ काम करता है। उत्तर, डाकिया डाकघर में काम करता है। आठ, बुद्धिया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। उत्तर, चूल्हे पर पानी टपकने से बुद्धिया मन ही मन झुंझला रही है। नौ, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। दस, बरसात में बुद्धिया के घर में क्या पड़ने लगा। उत्तर, बरसात में बुद्धिया के घर में पानी पड़ने लगा। ग्यारह, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। उत्तर, ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। बारह, बुद्धिया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया। उत्तर, बुद्धिया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। तेरह, बंदर क्या कर रहे हैं। उत्तर, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। चौदह, गाय के पास कौन है। गाय के पास लड़की है। पंद्रह, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। उत्तर, आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। सोलह, हाथी किस तरह आता है। उत्तर, हाथी धम धम करता आता है। सत्रह, हाथी पानी कहाँ डालता है। उत्तर, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है। अठारह, नहाने के लिए हाथी सुन में क्या भरता है। उत्तर, नहाने के लिए हाथी सुन में पानी भरता है। प्रश्न एक ब, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। शू कहो छे, कौश माथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जगह पूरवानी छे। चल, एक, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। दर्जी के सुनार शू आवे, दर्जी। चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। दो, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था पानी के ओले। तो शू आवे, पानी। चारों ओर पानी बरस रहा था। तीन, मछली खाली जगह में रहती है पानी के जंगल। तो शू आवे, पानी। मछली पानी में रहती है। चार, शेर खाली जगह में रहता है गुफा के पानी। शू आवे, गुफा। शेर गुफा में रहता है। पाँच, मालिक खाली जगह में काम करता है। बगीचे, खेत, बगीचे। माली बगीचे में काम करता है। छ, खाली जगह मिट्टी के बर्तन बनाता है बधई की कुम्हार। तो स्वयं है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाता है। सात, हाथी पानी में जाकर खाली जगह है नहाता कि सोता। तो स्वयं नहाता। हाथी पानी में जाकर नहाता है। आठ, हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है सून के दांत। सून, हाथी अपनी सून हिलाता है। नौ, लड़का खाली जगह झूल रहा है। लड़का क्या झूल रहा है। डाली के झूला। तो उत्तर शू आवे, लड़का झूला झूल रहा है। दस, खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है।
तोता के मोर, तो सावे मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। 11 बुधिया का घर खाली जगह में था। जंगल के गांव, तो सावे बुधिया का घर जंगल में था। 12 लड़का झूले पर चढ़कर खाली जगह को छूना चाहता था। आसमान के डाली, तो सुनावे आसमान, लड़का झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। 13 मैं कबड्डी खेल खाली जगह रहे है या रहा हूँ? रहा हूँ, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। 14 किसान खाली जगह करता है पूंजा के खेती, सुनावे खेत, किसान खेती करता है। 15 पेड़ पर खाली जगह बंदर है। 3 या दो? दो, पेड़ पर दो बंदर है। 16 सिपाही खाली जगह में काम करता है। सिपाही थाने, अस्पताल या थाने, थाने, सिपाही थाने में काम करता है। 17 टोटा खाली जगह रंग का होता है, काले या हरे? तोता हरे रंग का होता है। 18 डॉक्टर खाली जगह में काम करता है, डाकघर या अस्पताल? अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। 19 खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है, वह सुवे वह कौवा है, उसका रंग काला है। 20 यहाँ हाथी है, खाली जगह सूंड लंबी है, इसकी के उनकी? इसकी, यहाँ हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। 21 ये तितलियाँ है, खाली जगह पंख रंग बिरंगी है, इनके, ये तितलियाँ है, इनके रंग पंख रंग बिरंगी है। इधर उत्तर आपको दिया गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 का सबन पहचान कर लिखिए। 1 पिता की बहन, पिता की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ। 2 माता के पिता, माता के पिता को हम नाना कहते हैं। 3 माता की माता, माता की माता को हम नानी कहते हैं। 4 माता की बहन, माता की बहन को हम मौसी कहते हैं। 5 माता के भाई, माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा। 6 पिता की माता, पिता की माता को हम दादी कहते हैं। 7 पिता के पिता, पिता के पिता को दादा कहते हैं। 8 पिता के बड़े भाई, पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। 9 पिता के छोटे भाई, पिता के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 अ, निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने क्या सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शू छे खरा खोटा छे, साचा ने सामे खरा नु चिन्ह अने खोटा ने सामे खोटा नु। 1 शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, सही। 2 सिपाही थाने में काम करता है, सही। 3 किसान बगीचे में काम करता है, किसान बगीचा में काम करे छे खेडूत? ना, खोटो एटले गलत। 4 चिड़िया समुद्र में रहती है, गलत एटले खोटू। 5 टोपी पर कसीदा देख कर चूहा बहुत खुश हुआ, खरु एटले सही। 6 शेर गुफा में रहता है, खरु सही। 7 बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, खोटू। 8 लड़की अपनी अम्मा से झूला लगाने को कहती है, खोटू लड़का कहता है। 9 बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, खरू। 10 मटके पर पानी टपक रहा था, खोटू। 11 कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया, खोटू गलत। 12 दर्जी चूहे से डर गया, खरू। 13 कूदते फाड़ते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, खरू। 14 पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं, खरू। 15 ओलो की मार से बुधिया परेशान हो गई, खोटू। 16 चित्र में नारियल के दो पेड़ है, सही, खरू।
17 दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी ली। खोटू। 18 हाथी की सूंड छोटी होती है। खोटू। हाथी की सूंड बड़ी होती है, लंबी होती है। 19 कसीदाकार कपड़ा रंगता है। खोटू। प्रश्न 2 ब प्राणियों और पक्षियों की बोली के सामने उनके नाम लिखिए। 1 मैं भौंकता हूँ कुत्ता। 2 मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, कौन म्याऊं म्याऊं करता है? बिल्ली। 3 मैं पीहूं पीहूं पुकारता हूँ, कौन पीहूं पीहूं करता है? मोर। 4 मैं खो खो करता हूँ, कौन खो खो करता है? बंदर। 5 मैं टाई टाई करता हूँ, टोटा। 6 मैं हुआ हुआ करता हूँ, गिदड़। 7 मैं रंभाती हूँ, गाय। 8 मैं मिमियाती हूँ, बकरी। 9 मैं तराता हूँ, मेढक। 10 मैं काँव काँव करता हूँ, कौवा। 11 मैं गुतरगू करता हूँ, कबूतर। 12 मैं रेखता हूँ, गधा। 13 मैं दहाड़ता हूँ, शेर। 14 मैं चिकड़ाता हूँ, हाथी। अँ नीचे जवाब आप याद छे, चलो आगर जाइए। प्रश्न 2 क निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 1 चढ़ना उतरना, दिन रात। 3 ऊंचा नीचा। 4 सोना सोना जागना। 5 आगे पीछे। 6 सुबह शाम। 7 हंसना रोना। 8 छोटा बड़ा। 9 अंदर बाहर। 10 गांव शहर। 11 उठाना गिराना। 12 छोड़ना पकड़ना। 13 मुश्किल आसान। 14 नजदीक दूर। 15 चलना रुकना। 16 आसमान धरती। 17 ऊपर नीचे। ये विरुद्धार्थी शब्द है, यानी हमें शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, उसके जो विरुद्ध शब्द होते हैं वो हमें लिखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। 1 सू, अहीं प्राणी पक्षियों ना सू अवाजो अने एने आपणे ओळखवाना छे। चलो 1 हम उछल कूद करते हैं, बंदर। 2 मेरे पैर खंभे जैसे होते हैं, हाथी। 3 बरसात में मेरे घर में पानी पड़ने लगा, बुढ़िया। 4 मैंने चूहे की टोपी सी दी, दर्जी। 5 मैंने अम्मा से झूला लगाने को कहा, लड़का। 6 मुझे रास्ते में से एक कपड़े का टुकड़ा मिला, कौन एक कपड़ा टुकड़ा मिले छे? चूहा। 7 मैं कपड़े पर कसीदा कहता हूँ, कसीदा का। 8 मैं पिताजी का पिताजी हूँ, दादाजी। 9 मैं लड़की का सामान बनाता हूँ, बदल। लकड़ी का सू, लकड़ी का सुथार। 10 मैं घोंसले में रहती हूँ, चिड़िया। 11 मैं पानी में रहती हूँ, मछली। 12 मैं काले रंग का होता हूँ, कौवा। 13 मैं माता जी की बहन हूँ, मौसी। 14 मैं आकाश में बादल देखकर नाचता हूँ, मोर। 15 मैं थाने में काम करता हूँ, सिपाही। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 ब शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखिए। सू अहीं एक वचन आप चापरेनु बहुवचन लखवानु छे। चलो शुरुआत करिए। 1 तोटा टोटी। 2 चूड़ी चूड़िया। 3 तितली तितलिया। 4 खिड़की खिड़किया। 5 केला केले। 6 कली कलिया। 7 कुर्सी कुर्सिया। 8 लड़की लड़किया। 9 बकरी बकरिया। 10 माला मालाए। 11 किताब किताबी। 12 गाय गाय। 13 मेज मेजे। 14 लता लताए। 15 दरवाजा दरवाजे। 16 ताला ताले।
17। गमला गमले। 18 पेंसिल पेंसिले। 19 घोड़ा घोड़े। 20 पौधा पौधे। 21 लड़का लड़के। 22 चीटी चीटिया। तो जो बार मित्रों आज आप अहीं सुधी ज जोशू। हवेना वीडियो में आप आगळनो अभ्यास करीशू। जय श्री कृष्ण बार मित्रों।